हेलो दोस्तों, आप सभी भाइयों को मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगा पाल वर्ल्ड के और एक एपिसोड में। अरे पूल, ये लोग कौन है यार? ये लोग तो काफी खतरनाक लग रहे। ये लोग ना बदमाश है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए हैं क्यों हैं यार? अरे सिंचन, तेरे को याद नहीं है क्या, पिछले एपिसोड में हम लोग एक डार्क पाल को खोज रहे थे। अरे हाँ यार, हम लोग एक डार्क पाल मॉन को खोज रहे थे। हाँ, तो आज वही डार्क पोकेमॉन को पकड़ने के लिए हम लोग इधर आए। अरे यहाँ पर पोकेमॉन तो नहीं, बट यहाँ पे इंसान लोग दिखाई दे रहे हैं यार। पहले तो सिंचन, मैं तेरे को कुछ बताना चाहूँ। अरे वाओ गाइस, मेरा एम आप लोग देख रहे हो? बिना एम का कर्सर देखे ही यार उड़ा दिया यार। एनीवेज, इन लोगों ने यार एक पाल को कैप्चर करके रखा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एंड वो है एक डार्क पाल। ए भाई, तेरे को क्या चाहिए यार? हैं, मुझे पाल चाहिए ही नहीं तुम लोगों के साथ बैटल करने के लिए। आई डोंट नीड एनी पाल यार। ओके, एनीवेज, मुझे आप लोगों को कुछ एक स्पेशल दिखाना है। अरे क्या स्पेशल दिखाएगा यार, बोल। बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज आप लोगों को दिखाना है यार। बहुत रात हो चुका है दोस्तों, बहुत ही रात हो चुका है। बट एनीवेज, आई एम गोना शो यू लिफी पंग। अरे लिफी पंग, ये पोकेमॉन तो मैंने देखा है। ये वाला तुमने नहीं देखा यार। अरे ये कौन से कलर का लिफी पंग है यार? ये काफी कमाल का कलर का है, ठीक है। एंड ये है द रियल शाइनी लिफी पंग, जिसके आप लोग देख पा रहे हो। इसके पास ना ये ड्रैगन्स ब्रेथ भी है, देख रहे हो? ये कितना कमाल का है यार, कितना कमाल का लिफी पंग है। एंड इसके सहारे मैंने इन लोगों को यार आराम से उड़ा दिया। अब इस डार्क वाले पाल को मैं, एक मिनट, यहाँ पे एक रेस्टोर है। अरे जा लिफी पंग, इसको भी हरा ले यार, इसको भी हरा ले। अरे यार ये तो एक पिगी पोकेमॉन है। ये पिगी पोकेमॉन है, ये क्या कर रहे हैं भाई? तो लड़ रहा है कि नहीं यार? एनीवेज, इसने ड्रैगन्स ब्रेड यूज करके रशोर को भी उड़ा दिया। बहुत ही बढ़िया लिफी पंग। एंड अब मैं इस वाले पाल को अपने साथ लेकर के जाने वाला हूँ। आज मतलब तू किंग पाका को डेफिनेटली हराने वाला? यस, आज ना मैं किंग पाका को डेफिनेटली हराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। किंग पाका को हराने के बाद ही मजा आएगा। एनीवेज, काफी रात हो चुका है। रात के समय में यार ये सब यार पाल वाल को खोजना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो दोपहर का इंतजार करते हैं। फिलहाल मुझे घर जाना पड़ेगा। दोस्ता, मैं ना अपने घर में आ गया हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर और एक कैटिवा है। अरे यार इसका कलर भी पर्पल है यार, एंड ये तेरा कैटिवा है क्या? पता नहीं भाई। आओ, यस यस यस, ये तो मेरा ही कैटिवा है, ठीक है। ये मेरा ही कैटिवा है, एंड ये पर्पल कलर का है। लेकिन यार तूने तो बोला था कि लकी पल्स बड़े होते। एक मिनट यार, ये देखो। और एक मिनट यार, सही में यार लकी पल्स यार कलर चेंज हो गए यार। लेकिन ऐसा कैसे होंगे, एंड ये लोग छोटे क्यों होंगे यार? क्योंकि यार मैंने एक बहुत ही कमाल का मॉड डाला है, उस मॉड के कारण ही इन लोगों का कलर वर्लर सब कुछ चेंज हो गया है। अब ये प्रॉपर शाइनीज लग रहे हैं। एनीवेज यार, वहाँ पर और एक शाइनी है, वो एक फॉक्स पर्क है। चलो उस फॉक्स पर्क के साथ अभी क्या ही यार पंगा करेंगे, है कि नहीं? बट मुझे अपने टीम में ऐड करना है इसको, नॉक्स को। मैंने नॉक्स की जगह स्वीपा को हटा दिया है, ठीक है। अब यार मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अब मैं जाने वाला हूँ। अरे यार बिना तैयारी के ही तू जाएगा क्या किंग पाका के साथ लड़ने के लिए? अरे सिंचन, तू टेंशन मत ले यार, किंग पाका को मैं ऐसे ही हरा दूंगा यार, तू टेंशन मत ले। थोड़ा सा यस, थोड़ा सा लेवल अप तो करना पड़ेगा, बीच रास्ते में लेवल अप कर लूंगा, ठीक है। किंग पाका कितने दूर में है यार? किंग पाका बहुत ज़रा पास में है, तो जितना हो सके मैं लड़ने की कोशिश करता हूं। चलो यार। 2 hours later. दोस्तों, फाइनली मैं लोकेशन पे आ गया हूँ, जहाँ पर है वो ये बदमाश किंग पका। अरे किंग पका बदमाश है क्या? बोल, मुझे तो ये मालूम नहीं था। अरे मैं बोल रहा हूँ ये बदमाश है, पर ये बदमाश है नहीं, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही इज वेरी बिग यार। कितना मोटा है यार ये किंग पका। एनीवेज यार, किंग पका को मैं आराम से अभी चैलेंज देने वाला हूँ। बट अकेले में एक पाल इसके साथ लड़ नहीं पाया, तो क्या करेगा तू यार? 6 के 6 पालों को एक साथ भेज देगा क्या? सिंचन, लेट मी टेल यू, यहाँ पर ना इस गेम में 6 पाल्स नहीं होते, सिर्फ 5 पाल्स ही अपने टीम में होता है। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं फटाक से एक कमाल का चीज बनाने वाला हूँ, एंड वो है ये, ठीक है, पाल बॉक्स बनाने वाला हूँ। एंड आप लोग फिर देखिएगा कि मैं क्या करूंगा। पहले तो मुझे थोड़ा सा ऊट लेना है। ओके, मैंने ऊट ले लिया है, अब मजा आएगा दोस्तों, अब मजा आएगा। कहाँ पर चला गया ये किंग पका? ओके किंग पका, आई एम कमिंग फॉर यू। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यार किंग पका, कहाँ पे चला गया किंग पका यार? सिंचन, अरे यार किंग पापा तू कहाँ पे है यार? अरे यार ये पापा कहाँ पे चला गया, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा यार। अरे पापा नहीं यार, किंग पका, पका पता नहीं ये किंग पका अचानक से कहाँ पर ही गायब हो गया यार। अभी तो दिखाई दे रहा था, अचानक से कैसे गायब हो सकता है यार? नीचे वीचे गिर गया क्या? A few inches later. यार किंग पका यहाँ पर है, लेकिन किंग पका का हेल्थ इतना कम कैसे हो गया यार? ये देख रहे हो? अरे बोल, ये किंग पका तो इधर है यार। एक मिनट, इसको तो इधर नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसको ना इधर डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर ये मारने के लिए, मेगा स्पेयर। मैंने मेगा स्पेयर मारा, आप देखते हैं गाइस ये आएगा कि नहीं। ये तो आया नहीं, बट ये डेफिनेटली मेरे ऊपर अटैक करेगा। आजा किंग पापा, आजा आजा आजा, ये ले। ओहो, तू बच कैसे गया भाई? शिट, अरे भाई तेरा ये स्लैम मुझ पर काम नहीं आएगा दोस्त, तेरा ये स्लैम मुझ पर काम नहीं आएगा। अच्छा तेरे को लड़ना है, तेरे को लड़ना है, सही में तेरे को लड़ना है क्या? आजा। ओह शिट, इसने मेरा शील्ड तोड़ दिया। कम ऑन नॉक्स,
Come on, Nox! Dark type attack use कर। ये क्या कहाँ पर क्या attack use कर रहा है भाई? Okay, dark type attack use कर अब बहुत बढ़िया। Nox तो कर सकता है यार, मुझे पाल बॉक्स का जरूरत नहीं है। मैं ना अपने एक एक पाल को use करके ही किंग पक्का को आराम से उड़ा सकता हूँ यार। पापा तू कहाँ पर जा रहा है? अरे यार तू मेरे Nox के ऊपर ये बड़ा सा पावर बॉम्ब मारेगा। अरे यार कैसे कैसे मिस हो गया भाई। ओके इसको दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा मैं वेट कर रहा हूँ, मार ले दोस्त। ये ले, सिर पे ही दे दिया, डायरेक्ट सिर पे ही दे दिया। ओके तेरे को चैलेंज देना पड़ेगा, जा फॉक्स पार्क। कम ऑन अब फॉक्स पार्क मारेगा। अरे यार तूने लिफी पंक को भेजिया यार। ओ लिफी पंक तू ही मार ले यार, बहुत बढ़िया ड्रैगन्स ब्रेड यूज करा इसने। और ये एक मिनट, मैंने फॉक्स पार्क को अपने साथ लाया नहीं क्या यार? पता नहीं यार, जब मैं पैनकिंग को निकालता हूँ अचानक से मुझे ठंडा महसूस होने लगता है यार, क्यों पता नहीं यार। एनीवेज मेरे पास यार एरोस है ही नहीं यार, ये नॉर्मल वाले एरोस तो है नहीं यार। कमान 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 पैनकिंग कमान, तू तो कर सकता है भाई। ये ले। और यार मेरे बोस कैसे मिस हो रहे हैं यार, मेरे एरोस मिस कैसे हो रहे हैं यार? मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगा। ओके पहले तो मैंने इसको बचा लिया पैनकिंग को। अगर मैं किंग पका के सिर पे अटैक करूंगा ना तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ज्यादा डैमेज पड़ा, देख रहे हो? ओके एक मिनट दोस्तों, अब Nox को भेजने का टाइम आ चुका है। Nox तू जाले, तू मार कमान। Nox अपने डार्क टाइप अटैक से किंग पक्का को अच्छा खासा डैमेज दे भाई। ये क्या कर रहा है Nox, व्हाट आर यू डूइंग? Nox तेरे को मार दिया क्या? Nox तो ऑलमोस्ट मर गया था यार, Nox ना ऑलमोस्ट मर गया है। एक मिनट कमान अटैक एग्रेसिवली। ये देख रहे हो ये गुमुस भी काफी छोटा पड़ गया है मेरा। गुमुस यार ये सैंड टाइप मूव्स मत मारा कर भाई। ओके फॉक्स पार्क है यार, मेरे को लगा मैंने फॉक्स पार्क को लाया नहीं भाई। तू जाने वाला है किंग पका। ये ले हाइड्रो लिजर्ड, अब तो इसके ऊपर ये काफी अच्छा फटका पड़ेगा। यस यस गुड गुड गुड। रुक रुक रुक, तू आजा जल्दी से आजा। ये ले, अब तू गया बेटा अब मैं फुल ऑन फ्लेम थ्रोअर से तेरे बॉडी को जला देने वाला हूँ। अरे यार बहुत बढ़िया पोल, मुझे लग रहा है तो इस बार इसको पकड़ पाएगा यार। डेफिनेटली पकड़ पाऊंगा यार। एंड ये ले, ओह शिट ये नहीं आ रहा है। एक मिनट मुझे पता है कि तेरे को कैसे पकड़ना है दोस्त, ठीक है? अब तो तू डेफिनेटली आएगा। ये कैप्चर रेट 8%, देखते हैं आएगा कि नहीं। आई थिंक आ जाएगा भाई, आई थिंक आ जाएगा। आ गया बेटा। तो मैंने किंग पका को आराम से पकड़ लिया, आराम से तो नहीं बट हाँ यार पकड़ तो लिया। अब मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि अब मैं किंग पका के मदद से यार बहुत ही कमल कमल के यार पोकेमोनों को पकड़ पाऊंगा। नेक्स्ट जो पोकेमोन को मैं पकड़ने के लिए जाऊंगा वो होने वाला है इसी लोकेशन में, चिलेट को। अरे चिलेट को तो आराम से पकड़ सकते हैं, चिलेट तो सिर्फ लेवल 11 का है। यस चिलेट लेवल 11 का है तो आराम से मैं चिलेट को पकड़ सकता हूँ, तो चलो डायरेक्ट चिलेट को पकड़ ही लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे तो बहुत सारे सिंडिकेट ठग है यार, ये देख रहे हो? अरे बेटे किससे छुप रहा था यार। यहाँ पे और एक है, आजा बेटा। अच्छा तू मेरे को मारेगा है? तेरे बंदूक का गोली मिस हो जाएगा लेकिन मेरा एरो कभी भी मिस नहीं होगा। एंड ये लोग कितने बदमाश है यार, इन लोगों ने ना बेचारे ऐसे पोकेमोनों को मार दिया है यार। एंड सामने की ऑटो रिलैक्सोसोरस है दोस्तों। अरे यार ये रिलैक्सोसोरस के ड्रैगन टाइप पोकेमोन है। अरे हाँ एंड काफी खतरनाक पोकेमोन है यार। एंड जैसे कि मैंने बोला था कि मैं सिर्फ स्ट्रॉन्गर वाले पोकेमोनों को पकड़ने वाला हूँ, एंड ये रिलैक्सोसोरस काफी स्ट्रॉन्ग है। अरे यार कैसे बच गया भाई तू? एक मिनट तू लड़ेगा मेरे साथ, आजा। एक मिनट तेरे से लड़ने के लिए मेरा फॉक्स पार्क ही काफी है। अरे मैंने बस फॉक्स पार्क को फेंका था यार, आराम से उड़ा दिया। एनीवेज आप इन लोगों के साथ लड़ने के लिए, शिट इन लोगों ने मेरे को देख लिया। तू आजा लिफ्ट पंक, तू आजा, क्या क्या डैमेज दे पाएगा चलो देखते हैं। अरे बेटा बेटे 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 ये ले। ओके यार लिफ्ट पंक तो मार पाएगा ना भाई, मुझे ग्रास टाइप को तो नहीं भेजना चाहिए था। मैं ना किसको भेजूंगा समझ में नहीं आ रहा है, फायर टाइप को तो कटे ही नहीं भेजूंगा, शायद से मुझे पैनकिंग को ही भेजना पड़ेगा। पैनकिंग तू आजा भाई, ये लग ड्रैगन भी है ठीक है। ये पैनकिंग को जब भी भेजता हूँ यार ठंडा लगने लग जाता है यार। कमान 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 कमान, मैं भी हेल्प करता हूँ, चल मैं भी हेल्प करूंगा तेरे को। और बहुत बढ़िया है पैनकिंग, एक तो आ ही जाएगा, एक तो आ ही गया, रिलैक्सोसोरस आ गया। अब इस वाले को भी मैं डेफिनेटली पकड़ना चाहूंगा। अरे बेटे, अरे एक मिनट ये मर गया यार रिलैक्सोसोरस, तभी मैं सोचूं कि कैसे दो बार यार मेगा स्पेयर इसके बॉडी से आर पार हो गया यार। अरे वो टू मना नहीं अभी तक। अच्छा यार मेरे को लगा था मैंने रिलैक्सोसोरस को पकड़ लिया बट अरे अभी तक तू नहीं आया है भाई। आजा यार तू मेरे टीम में रहेगा तो मजेदार होगा भाई। अब आएगा डेफिनेटली, अब तो आ ही जाएगा। ये बॉयज मैंने पकड़ लिया रिलैक्सोसोरस को। अब रिलैक्सोसोरस अपने टीम में रहने से और एक फायदा होता है यार। अरे क्या फायदा होता है यार? अब ना मैं आराम से ब्रीडिंग फार्म खोल करके बहुत कमाल कमाल के पोकेमोनों को यार बना पाऊंगा यार। Approximately 10 hours later. दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये ना एक काफी अलग किस्म का चिलेट है यार।
अरे इसमें अलग वाला क्या बात है यार? तूने पालवर नहीं खेला ना भाई, चिलेट ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है? एंड ये चिलेट काफी अलग है, एंड इस चिलेट के पास यूनिक यूनिक एबिलिटीज है। आप लोग जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, दिख रहे हो। अरे बोल, ये चिलेट अगर तेरे को देख लेगा तो मार डालेगा यार। एक मिनट यार, और एक चीज यार, ये चिलेट के, ओ माय गॉड, ये चिल, अरे बाप रे, चिलेट को क्या हो गया भाई? इसका हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया। एनीवेज, अब इस चिलेट को मुझे अपने टीम में लेकर के आना है, एंड मैं वो डेफिनेटली करने वाला हूँ। ये एक ड्रैगन है, डेफिनेटली आइस टाइप को भेजने से मेरा ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन यार एक चीज यार मुझे दिख रहा है यार। क्या चीज दिख रहा है तेरे को सिंचन? ये ना एक आइस ड्रैगन है, तो मुझे लग रहा है यार आइस टाइप को भेजने से भी इतना तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है यार। अरे हाँ यार, अरे हाँ, तू तो सही बोल रहा है, बट मेरा पैनकिंग इसको धूल चटवाने वाला है। ओके, पैनकिंग इज हियर। पैनकिंग ने पहला हमला किया। उरी पोपरे, पैनकिंग ने जैसे पहला हम, ओ ये मार देगा भाई, ये ना चिलेट को मार देगा भाई। चिलेट तू आजा, चिलेट तू आजा मेरी टीम में। ओ शिट, ये चिलेट कहाँ पे जा रहा है? चिलेट तेरे को पैनकिंग, ओ शिट, मुझे पैनकिंग को अपने टीम में वापस लेकर के आना है। एंड यस, आई थिंक मैंने चिलेट को पकड़ ही लिया, अब देखते हैं। ओके ये आ गया है। अरे पोपरे, एक मिनट यार, ये चिलेट, वेट अ मिनट, इस चिलेट के पास तो इतना कुछ खास एबिलिटी है नहीं। लेकिन तू तो बोल रहा था कि इस चिलेट के पास काफी कुछ खास एबिलिटी होने वाला है यार, तूने झूठ क्यों बोला यार, बोल। अरे मैं झूठ क्यों ही बोलूंगा यार। एंड एक मिनट, ये क्या है? पावर शॉट। एंड मेरे पास और एक फल है, पॉइजन ब्लास्ट। एंड ये पावर शॉट, मुझे पावर, ये पॉइजन ब्लास्ट ना, मुझे किसी एक, मुझे पॉइजन ब्लस्ट शायद से लिफ पंक को सिखा देना चाहिए, ठीक है? मैंने लिफ पंक को पॉइजन ब्लस्ट सिखा दिया। एंड एक चीज़ और मैंने नहीं देखा है कि यार इन लोग के पास कुछ खतरनाक वाले एबिलिटीज आ गए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, नो एबिलिटीज। अगले एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं क्या ये चिलेट अकेले में एक किंग पाका को डिफीट कर पाएगा। सब कुछ देखने को मिलेगा अगले एपिसोड में, इसलिए आप लोग अभी कर दो सब्सक्राइब।